નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો નેશન પ્લસ ન્યૂઝ. હું સાથે સાથે હેતર ભગત. દમણ અને દીવના સાંસદ ઉમેશ પટેલે વહીવટીતંત્રને આડે હાથ લીધું હતું. દમણ પ્રશાસનના આદેશથી દમણ નગરપાલિકાના કર્મચારીઓએ દરિયા કિનારે કાર્યવાહી કરતા મામલો ગરમાયા હતો. માછીમારો દ્વારા જાળ સુકવવા અને રિપેરિંગ કરવા માટે બીચ પર જાળ તથા તેની સામગ્રી રાખી હતી. તે હટાવતા મામલો સાંસદ ઉમેશ પટેલ સુધી પહોંચ્યો હતો. દરિયા કિનારે માછલીને સુકવવા માટે સાડી કાંઠી બાંધવામાં આવી હતી, જેને ડીએમસી દ્વારા તોડી નાખવામાં આવી હતી. ઘટનાસ્થળે પહોંચીને ઉમેશ પટેલે સ્થિતિનો ત્યાગ મેળવી દમણ પ્રશાસન પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા અને દિલ્હી સુધી રજૂઆત કરવાની લોકોની બાંહેધરી આપી હતી. ઉમેશ પટેલે પ્રશાસન સામે સવાલો ઉભા કર્યા હતા કે પ્રશાસન મનમાની કરી લોકોની રોજી છીનવે છે અને હંમેશા દાદાગીરી કરી ગરીબ લોકોને દબાવે છે, જે ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં. મેં કેટા નહીં નહીં આજે જ લેટર આપું કે આ કાંઠા ઉપર મુમદારોને એનું શીખવા માટે એની સુવિધા માટે તાત્કાલિક પણ જોઈએ, કેમ કે લેટર આપી દે. આ આઈસ વગરના ધંધા છે અને આથી પેટ અમારું ભરવું છે. ના, માછીમારી અમારો ધંધો છે, એ અમારો ધંધો છે. દર વર્ષે જે મેરા લીપ ચાલે બધું જો પોરબંદર વેરાવળમાં તમે સહાય આપ્યા કરે છે. દુનિયાનું ટા ખરાબ માટલા લાવીને એનો કમિટી નો મેમ્બર છું. એને એ ભી તમે કરી શકે. કાલે ફંસા મરાઈ ઉંબરામ જોની હા જો એ બંદર માં કોઈ ની કઈ કરે. આપણે મને જોઈને પછી કે તમે કે આ વસ્તુ પર તમે નવમે કઈ નથી. આપણે એવું ને કે 1-1 200 રૂપિયા નો વાળા એ લોકો ખાવાના હું આ તમે અમે અમે એ લોકો ખાવાના હું આજે બટાળા તંતા મે હમ લોગ આયે થે. અમારી માતા માતાએ બહેનોને ફોન કિયા કે અમારે યહાં જો સમંદર કિનારે પે હમ લોગ જો સૂકી મચ્છીઓ કો સુકાતે હૈ વહાં કી કાઠી વગેરા લગાતે હૈ તો બોલે કે આજ નગરપાલિકા કે કુછ કર્મચારી આયે ઓર વો સારે કાઠી વગેરા કો તોડકર ભૂકા કરકે ઇધર ડાલકે ચલે ગયે ઓર માછીમારો કો ભી બોલકે ગયે કે યહાં જો જાલે ये जाल वगैरह लगाई है जो मच्छी मारी के लिए जाल यूज़ होती है और वो जो सामग्री यूज़ होती है जब बोट अंदर जाती है तो सामग्री वहाँ पर रहती है और बोट वापस आती है तब भी रहती है और वो जालों को लोग फटे जालों को सिलते हैं. तो नगर पालिका के कुछ कर्मचारी आए बोले कि वो सब हटा दो, ये लकड़े बकड़े जो लगाए थे वो भी इन लोगों ने तोड़ दिए. और दुख की बात यह है कि यहाँ पर पहले हम लोग जो श्राद्ध क्रिया करते थे पिंड और पिंड का जो यहाँ पर तर्पण किया करते थे वहाँ पर एक बहुत अच्छा मासी समाज ने बनाया था, वो तो तोड़ ही दिया था. तो पिंड कार्य करने के लिए तर्पण करने के लिए छोटा सा वो लकड़े का वो टेम्परवरी बनाया था वो भी तोड़ दिया. तो मैं प्रशासक को प्रफुल्ल भाई पटेल जी को पूछना चाहता हूँ, क्या मच्छीमारी का धंधा करना कोई पाप है? दमन दीव में मच्छीमारी तो हमारा धंधा व्यवसाय मुख्य रहा है और आज जब सरकार विविध योजना लाकर मच्छीमारी को धंधा को प्रोत्साहित कर रही है, बहुत सारी सब्सिडियां देती है ताकि मच्छीमारी का धंधा फूले फाले और उसमें लोगों को रोजगार मिले. आज आपने ढाबा तोड़ दिए, दुकान तोड़ दिए, मकान तोड़ दिए, आज बार के लाइसेंस कैंसिल कर दिए. ना हम लोग को नौकरी मिल रही है, ना हमें रोजगार मिल रहा है, ना हमें काम धंधा मिल रहा है. और जो हमारे बाप दादा से धंधा है वो भी आप छीन लेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाए? और ये आप लोगों की सफाई के लिए कुछ हो तो हमें बताइए. आज बताया जा रहा है कि नगर पालिका के लोग आए डायरेक्ट तोड़ने लग गए, कम से कम लोगों को समय तो दीजिए. ये अधिकारी जो बैठे हैं वो यहाँ पर राजा बनकर बैठ गए जबकि वो नौकर है. मगर ये दमन के स्थानीय कर्मचारी और इन अधिकारी को भी कहना चाहता हूँ कि वो तुम्हारा बाप जब यहाँ दमन से चला जाएगा तो तुम लोगों को कौन बचाएगा? रहना ये दमन दीव में ही है और ये जो है तुम्हारा बाप वो कम समय के लिए है. फिर मत बोलना कि हमारा ये क्यों हो रहा है. और ये हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष को भी मैं विनती के साथ कहना चाहता हूँ कि भाई साहब आप लोगों का ये काउंसिल जो है वो जनता के वोटों से बनती है और ये जनता जो है अगले चुनाव में आप लोगों को भी दिखा देगी. तो कृपया करके आपके सीओ को और आपकी नगर पालिका को बताइए कि ये सब ऐसा अंधाधुंधी का काम और ये तानाशाही भरा रवैया ना अपनाए. और ये काउंसिलर को भी बोलना चाहता हूँ कि हमारा कुछ नहीं चलता, हमारा कुछ नहीं चलता, वो नहीं चलेगा. जब उनको हटाने की बात आती है तो रिजोल्यूशन लिख के आ जाते हैं कि हमारा बाप बहुत अच्छा काम करता है. अब आपका बाप ये अच्छा काम कर रहा है कि ये गरीबों के काठी दुकान मकान और तर्पण की जगह हटा रहा है, तोड़ रहा है. तो आप आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि दमन दीव की जनता एकजुट बने और एक साथ लड़े और मेरा साथ दे. और मैं आपको वादा करता हूँ, मैं थोड़ा नया हूँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा, मगर आप लोग जो साथ देंगे
तो मैं आपको वादा करता हूँ कि यहाँ से तानाशाही भरे रवैये को और तानाशाह को जरूर हटाएंगे और हमारा हक और अधिकार बचाएंगे। और आपको कहना चाहता हूँ, अभी अभी मुझे भारत सरकार की स्टैंडिंग कमेटी में मत्स्य उद्योग का भी मेंबर बनाया है, तो ये रजूआत दमन में नहीं, मैं दिल्ली तक करूंगा। और प्रशासन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, आप लोगों को जो नौकरी मिली है, आपको जो रोजगार मिला है, आपको जो पगार मिलता है, आपकी जो अय्याशी है, आपको गाड़ी घोड़ा और बंगला मिला है, वो हमारे लोगों की वजह से मिला है, हमारी सेवा करने के लिए, बराबर है? तो इतने मत गिरो कि लोगों की हाई आपको लगने लगे और आपके परिवार साफ हो जाए। उम्मीद करता हूँ प्रशासन मेरी बातों की संज्ञान लेगा और तुरंत से तुरंत ये गरीबों को राहत देने का काम करेगा। और मैं आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं तुरंत से तुरंत प्रशासन को इस बात की संज्ञान दिलाऊंगा और आगे से अभी ऐसी घटना न घटे उसकी तकेदारी रखने की बात कहूंगा। रिपोर्ट नेशन प्लस न्यूज दमण। समाचारों ना सतत अपडेट मिलवा माटे अमारी नेशन प्लस न्यूज ने यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबावो अने जुड़ेला रहो फेसबुक, इंस्टाग्राम अने ट्विटर पर।